अच्छा जी, इस वक्त ना पार्टी तो एक किस्म की आप कहेंगे खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो उस मसले के बाद ऑलरेडी उस वक्त तक हो चुकी थी, खाना छान हो गया था। तो अब सारी आवाम हम लोग जो है ना DPS के बाहर आ चुकी है, ठीक है, सबको बाहर निकाल दी गई। तो हमने सोचा कि हम आपको लेके जाते हैं उन स्पॉट्स पे जहाँ से हम लोग, मतलब कि मैं इस स्कूल में आया हूँ, 8th क्लास में मैं DPS में आया हूँ, ठीक है। हमारा वो वाला कैंपस होता था, टोटल 4 कैंपस है DPS के, ठीक है। ये कैंपस है, एक वो है, उसके अलावा 2 आगे हैं, हम सिर्फ 2 तक जा सकते हैं, अगले 2 तक हम नहीं जा सकते, वो गर्ल्स के होते हैं, तो हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। तो हम, ये हमारा ग्राउंड होता था, ठीक है, तो वो सारा प्ले ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पर हम खेल रहे वो हमारे पास, ठीक है, सारा। ये जो 2 खिड़कियाँ ना, ये हमारी क्लास की हैं, ठीक है। तो हम जब भी बंक पे निकलते थे, ये हमारी कैंटीन है, ठीक है, तो हमने वहाँ पे निकलना, इस गेट से निकलना, इस गेट से उधर जाना, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो मोहसिन और मदसान जा रहे हैं, ये मैं पीछे पीछे उनके जा रहा हूँ। तो हम लोग नहीं, जरा माजर, मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया? नहीं नहीं, लड़के तो कह रहे हैं आपने किया है। लड़के कह रहे हैं यार देखो, मैं आपको शरीफ आदमी लगता हूँ, मैं धमाका वगैरह नहीं करता। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं वो पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठा करते थे। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, हम तीनों का खास तौर पे मदली बदल गए, तो हम मदली भी हमारे ग्रुप में होता, तो हम लोग कहाँ बैठते थे, हम लोगों का ये हमारा पक्का पॉइंट होता था कि कभी हम लोग इधर बैठ जाते थे, कभी उधर बैठ जाते थे। ये हमारा पक्का पॉइंट था, सर्दी में यहाँ पे हम खड़े होते थे, हम अक्सर बंक करने के लिए वहाँ पे भी गए हैं, उधर चले जाते थे बंक कर। मतलब रैंडम कभी इधर बैठ जाते थे, लेकिन पूरी सेकंड ईयर हमने इस पॉइंट पे बैठ के गुजारी, यहाँ पे हम लोग सारा टाइम सेकंड ईयर में बैठे रहे, ठीक है। दिखाते हैं 8वीं में जब वो वहाँ बैठते होते थे, वो मैं आपको वो दिखाते यार व्लॉग बाद में। गाड़ी वाला बहुत सिस्टम, एंट्री बहुत हैवी, आ रहे हैं तीनों वकील, मैं वकील जो वो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो परे वाले कैंपस हैं वहाँ हम नहीं जा सकते होते। तो इधर ये मेन गेट है, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ जब 8वीं में हम लोग होते थे इधर, तो हम लोग कहाँ पे होते थे, ठीक है। ये DPS है, ठीक है, आप सारा देख रहे हैं, ये सारा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कैंपस है। हमने 8वीं बैठ के इन बेंचों पे बैठते थे, उस जगह पे बैठते थे, ये हमारा कैंपस होता था, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कैंपस होता था, ठीक है, ये कैंपस, ये हमारी पूरी B2 इकट्ठी हो रही है, ये इंतहाई मनहूस आदमी, ठीक है जी, मैं तेरे से मिलना ही नहीं, तू चला जा इधर। ये हमारे बहुत अच्छे हाफिज साहब, माशाल्लाह से इनको टाइटल मिले, ठीक है, इन्होंने भी चैनल शुरू किया था, इनके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये हमारे अनस भाई, बहुत हमारे अच्छे क्लास फेलो, ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास, मेरे व्लॉग को सब वो कर दें सब्सक्राइब, जारी व्लॉग यार ना साडे जारी व्लॉग को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये हमारी पूरी क्लास खड़ी है, मिस्टर अच्छा, ये पूरी क्लास खड़ी है हमारी, ठीक है। हम यहाँ पे फोटो सेशन करते हैं, और फिर जो है ना आपको नजर आ जाएगा फोटो सेशन, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, आईडी में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये DPS का एक नज़ारा है, ठीक है। हम दोबारा DPS के अंदर एंटर हो रहे हैं, हमने कहा कि एक बार टीचर से जो है ना बातचीत करके, क्योंकि फिर कैमरे के बगैर ही आने, हमने जब भी आना। ये हमारे रिस्पेक्टेड सर, अस्सलाम वालेकुम सर, हमदा को यार फोटो बनना। ये हमारे रिस्पेक्टेड सर हमजा सर, ने हमें उर्दू पढ़ाई है 9th से लेके 2nd ईयर तक। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे बहुत मोहतरम सर हैं सर, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे सर आकिब साहब माशाल्लाह से केमिस्ट्री के टीचर, सर ने हमें पढ़ाया नहीं, पर सर हमारे लिए एक ब्रांड है माशाल्लाह से, बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत खूबसूरत सर हमारे ये माशाल्लाह से। सर आप स्पेशल जूम किया सर मैंने जी, आज हम जो है ना चारों के चारों वकील बन के आए। ये देखें जी हम लोग इस वक्त, मैं कहता हूँ भाई एक बार पढ़ से हुआ है ना, फिर जाने नहीं देना, मसला नहीं है। ये वकील हमारे जो है ना, तीन वकील झूले ले रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा कैंपस है, हो गया वैसे, ठीक है। हम सारे झूले ले रहे हैं, DPS के झूले आखिरी दो, बैठ जा हमदा, नहीं बैठ जा यार, ये ऐसे लत्ता तले, इधर देखो सारे देखो, ये देखे जी, ये देखे जी, हम लोग DPS में पहली और आखिरी दफा जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आओ भाई वंडर व्हाट यू, और टूट ही ना जाए, ओए अब बस ही बात है। तो याद रखेंगे एक ब्रांड है, तोड़ के गए थे, चार वकील आए थे और झूला तोड़ के चले गए थे। सबसे पहले आपने झूला तोड़ना, ये सारे झूले, ये बच्चों वाला कैंपस है ना, और हमदानी ये बच्चों वाला कैंपस है ना, ये बच्चों वाला कैंपस है। तो इधर हमारे पास झूले वगैरह लगे हुए, हमने कोई बाउंड्री नहीं देखनी। हाँ जी, चल छोड़ो, ठीक है, आ जाओ, हमने नहीं यार किसी के साथ। अच्छा इधर मैं जो है ना सर, जो हमने कश्मीर गार्डियंस से उसको बात करना चाहूँगा।
इस तरह के शोगल होता है ना आप दोस्तों के साथ करते हो वो ज्यादा ये कोई कीमत नहीं है। ये कीमत हो क्या पटाखे देखेंगे बड़े होकर बजा सकते हो लेकिन ये मोमेंट इतना इमोशनल कर दिया। और जो ये वाइब है नहीं आप नहीं समझ रहे ना आपकी बेइज्जती है जो वाइब है उधर आप सनसेट दिखा रहा तो ये देख सनसेट और यार ये कसम से फिर दोबारा कोई नहीं ये व्लॉग देखोगे जब इधर चले जाना ना निकाल निकाल के देखोगे बोलो अब सनसेट दिखा रहा और अपने अपने कैंपस में ये तो नहीं है तरसी हुई मामा फिर हमने आना इधर इधर कोई बंदा है ही नहीं फिर हमने क्या किसने डांडा अगर आखिरी दिन होता ना वैसे ही तो ज्यादा मजा आता बहुत ज्यादा जैसे भी हम फिर रहे हैं लेकिन अभी ये वाइब इस तरह आ रही है ना कि यहाँ पे अब हम दोबारा तो नहीं आ सकते ना हमने अब एक बार पूरा डीपीएस मतलब के रिकॉर्ड कर लिया यादगार रहेगा हाँ ये वही ना ये वाकई मेमोरेबल है याद बहुत रहेगी ऊपर से चल ऐसा मतलब वकील कानून तोड़ते हुए वकील है वकील कानून तोड़ते हुए तीनों चारों वकील बन गए कानून तो हम तोड़ने वाले होते हैं वकील हमेशा हमने एक सेंटिमेंटल हरकत की है कैंपस जिसमें हम पहली दफा आए थे डीपीएस में जब हम आए थे मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों मैं हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में हूं जब मैं आया तो मुझे वाकई अंदाजा 2017 अप्रैल में हमने यहां पे ये सारे 2017 में मैं बाद में आया था मैं 19 में 2024 का तकरीबन मार्च हां जी मार्च है यानी तकरीबन 7 साल हो गए आज हम जा रहे हैं ये जा रहे हैं 7 साल के बाद और मैं 5 साल के बाद जा रहा हूँ ये भाई जान स्टोरी सुनाएंगे इंटरव्यू के हम आपको सुनाएंगे स्टोरी जो जितनी मतलब मुझे 6th क्लास में मुझे अभी तक अपना एंटी टेस्ट का जो है फेज याद है कि मैंने अभी तक एंटर हुआ था तो उस टाइम मेरे वाले साहब ने कहा डीपीएस में आपने दाखिला लेना है शायद वो होगा लेकिन डीपीएस में दाखिला लेना है बिल्डिंग शिल्डिंग और मेरे पुराने दोस्त भी मैंने देखे काफी लाइन बना के जा रहे थे डीपीएस की बिल्डिंग वैसे मजिस्टिक है नो डाउट पूरे जोरबाद में सबसे अच्छी बिल्डिंग अगर किसी कॉलेज की है तो डीपीएस की है और मेरी पहली दिन टीचर जो हमारी लेटर थे वो मैम शादी शाहीन थी मालियाँ थी उन्होंने हमारा टेस्ट लिया टेस्ट में मैं सेकंड आ गया उसके बाद मेरा डाउनफॉल और मेरा भी मैं भी सेकंड आया बिल्कुल और ये 21st आया था हम सारे सेकंड और इसी कैंपस में सबके टेस्ट होते थे ना उधर से प्रॉपर मेन गेट से लाइन बनवाते थे हमें उधर सीधा सीधा लेके जाते थे और ठीक है ये कैंपस के अंदर हमारे टेस्ट होते थे ठीक है और सारे हम लोगों ने जो अपना टेस्ट वगैरह इधर दिए और सब ने आप लोगों का भी इधर ही हुआ है ना हाँ सब हाँ एंट्री टेस्ट सबके हो वैसा नहीं है ये बात ये सच है डीपीएस पहले जब था जिस वक्त आए थे तब इसको जो लेवल था वो नहीं है तो हम मैं मैंने कल मैं फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन मैं पार्टिसिपेट इस तरह करता था कि फंक्शन की मतलब हफ्ता पहले से एक दिन पहले पार्टिसिपेशन में कह देता कि मैंने पार्टिसिपेट करना है ताकि मैं बंद कर लूं पीरियड्स और जब फंक्शन का टाइम आता तो मैं कहता मैं आ ही नहीं सकता आई एम बिजी सिर्फ हम मतलब कि हमने कहा एक जाएं हमारा कैंपस बेसिकली वो है हमने कहा कि पूरे कैंपस मतलब एक बार देख के मतलब कि कैसे मतलब अब हम जा जो रहे हैं तो फिर हमने दोबारा नहीं आना मोबाइल के साथ तो हमने इसलिए आए हम लोग ठीक है यहाँ पे टैबलेट्स यहाँ पे जो है प्रैक्टिस होते थे हाँ यहाँ पे टैबलेट्स की प्रैक्टिस होती थी ठीक है ये दूसरा कैंपस है ना हाँ तीसरा अपना हमदानी साहब तो माशाल्लाह ब्रांड है फिर टैबलेट्स यहाँ पे मुझे बड़े बड़े याद है जब मैं फुटबॉल खेलता था एक जमाने में तो यहाँ पे जब 8th के हमारे जब एग्जाम्स खत्म होते थे तो यहाँ पे हम सारे जो B1 में था तब मैं वो एरिया मेरे लिए इसलिए इतना खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता क्योंकि मैं जब आया था तो मैं सीधा इस कैंपस में आया था ये सारे मेरे से पहले आए थे 2017 में मैं 2019 में आया था मैं इस कैंपस में आया था ठीक है और बाकी मेरा टाइम जो गुजरा है वो ज़्यादा इस टाइम में इसमें गुजरा है वो जो परे वाला था कैंपस उधर ये तीन रहे हैं ठीक है और वो जो 4th कैंपस है वो गर्ल्स का होता है तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते बेसिकली ये हमारी रिसेंट बंक प्लेस है यहाँ पे हम बंक मारते हैं ठीक है एक बार हमदानी साहब वहाँ गिरे थे ये आपको स्पेशल जगह दिखानी है कांटों के ऊपर बड़ी मुश्किल से याद है तुझे 8th में इधर आए जी मैं को एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे हमें तो सारे मदिल को दंग करता होता था याद है यहाँ पे वाक्य सुना वाक्य सुना सर 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 सर, सर जी आपको ढूंढने के सर हमें कहा आप चले गए सर आपके लिए सर हम इंतजार हम सर 4th कैंपस तक आपको ढूंढने गए सर सर ढूंढने गए थे आपको सर वो हारून लोग मेरे साथ तस्वीरें बना के गए मैंने पूछा किधर गए बाकी सर जी हम आपको सामने तीन चार सर सैफ भी आ गए लो माशाल्लाह सर सर आपको हम ढूंढने स्पेशल 4th कैंपस तक गए हैं सर याकूब इन्होंने हमें बायो पढ़ाई है 9th से लेके 2nd ईयर तक ये हमारे सर सैफ हैं इन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है पर इन्होंने फिजिक्स में सिर्फ 2nd ईयर में पढ़ाई ठीक है और हमारे ये दोनों बहुत हमारे लिए जो है रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं इंशाल्लाह हमें हमेशा याद रहेंगे ये हाँ जी स्टार्ट है जी वो जो आपको पीछे हम लोग दिखा रहे थे ना जगह उसकी स्टोरी जी अहमसान साहब आप सुना दें अहमद अली अभी भी खैर काफी हरकत करता है जानवरों वाली लेकिन उस टाइम तो कुछ ज्यादा थी अहमद अली को मैंने एकदम मजाक में गेंडा तो अहमद अली को गुस्सा
और अहमद अली और मैं तकरीबन आधा कैंपस भागते रहे भागते रहे भागते रहे। वो जाकर मैंने जगह दिखाई थी जहाँ पे काफी रैपर वगैरह पड़े थे वहाँ पे एंड पर आके फिर मोहसिन और जो है हमजा कासमी ने मुझे बताया अहमद अली से, वरना वाकई गेंडे का मेरे ऊपर बड़े शरीर। ये हमारा ग्राउंड दिखाओ यार, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा मल्टीपर्पज हॉल यहाँ पे जी सर सर ये आठवें कैंपस में होते थे उधर से, मतलब आठवीं क्लास में यार, आठवीं क्लास में होते थे वहां से जी हम निकलते थे भागते भागते, यहाँ से हम लोग इन लाइनों के अंदर चलते चलते जी बाहर निकल जाते थे। ये हमारी जो लाइन है ना इनके अंदर चलना था, डिसिप्लिन का इधर आओ यार, डिसिप्लिन फॉलो करो यार डीपीएस में, आप स्टूडेंट्स में आओ यार लाइन में। देखिए जी हम सारे लाइन में जा रहे हैं ठीक है, और मैं मुझे आ गया यार मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, ये तो कदर किया करो। ओए हो मलक साहब गवर्नमेंट दे मैंने ये देखे जी हम लोग लाइन में चलते आ रहे हैं ठीक है, और ये फजूल आदमी लाइन तोड़ के चला गया, ये है पागल, असल में भी लाइन नहीं तोड़ते थे और क्या करते थे जी। ये हमारा जो डीपीएस का मेन गेट है वो है, और ये हमारा जो कैंपस है, ये कुर्सियों में पार्टी वाली गंदी हो गई ना धुलने के लिए, हाँ वो भी हो गई। ये देखें जी हमारा मेन एंट्रेंस डीपीएस की ठीक है, जो आजादी के वक्त हमें जेल से मोहब्बत हो। हाँ ये हम डीपीएस से बाहर आ चुके हैं, ये हमारा गाड़ी खड़ने का इनका स्टैंड था, इधर से परे बाइक खड़ा करने का स्टैंड था ठीक है, हमारा हमारे बॉयज जा रहे हैं आधे, हम ही तीन गाड़ियां जो थी हम सबसे एंड पे रह चुके हैं ठीक है। तो ये डीपीएस की बाउंड्री आप एक देख लें ठीक है, मेन गेट साहब अल्लाह हाफिज़ डीपीएस सर, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब हम पूरा सारे कैंपस घूम के हैं चारों के चारों, जनाब हमें तो शरूफ ने कह दिया, नहीं हम उनकी नजरों में आए नहीं ना, हम नजरों में नहीं आए, हमें भी उन्होंने यही कहा तभी बाहर आए हैं। आज क्या फेयर वेल है लेकिन दोबारा कल हमने दोबारा आना है, वो बात एक तरफ ठीक है जी जनाब शुक्रिया। ये भी हम जा रहे हैं ठीक है, ये हमारा जहाज स्टार्ट हो गया, अब हम जा रहे सबर सबर ठीक है, खत्म हो चुकी है ठीक है। ये अहमद अली मेरे साथ है, मोहसिन जो है वो उसी गाड़ी में सामने अहमद खान के साथ जा रहे हैं ठीक है। तो अभी हमने कहा कि हम ना यार पार्टी खत्म होगी थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि पढ़ाई वगैरह आज करनी नहीं, छुट्टी है, तो हमने कहा कि थोड़ा जूस वूस पीते हैं बैठते हैं, तो थोड़ा इंजॉय वगैरह करते हैं, तो फिर अपने घरों घर चले जाएंगे। पार्टी वैसे खत्म हो गई है, पार्टी वैसे भी और होनी थी तो जुमानों को पता जूस वाली हरकत जो बच्चों ने की उसकी वजह से खत्म हो गई थी, लेकिन पार्टी भी लेकिन अब खत्म तो हो गई ना, हमने बाकी राउंड किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल हमने दोबारा आना है डीपीएस पर, अब वो एक किस्म की फेयरवेल हो गई है, अब हम एक किस्म के डीपीएस के स्टूडेंट तो नहीं रहे, नंबर नंबर स्लिप उठानी है हमने ठीक है। अच्छा जी इस वक्त जो है ना हमारी पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है ठीक है, अभी हमारी पर्सनल पार्टी जा रही है, टाइटल फिर भी मेरा लाना है तेरी जगह पे। अच्छा बाबा तूने दूध दफा हो जा, बात टाइटल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये वैसे तंग कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिला, चलो ठीक है। अंगूर खट्टे हैं, बहुत खट्टे अंगूर आपके, तो मुझे भी टाइटल की मिली नहीं, ये दो दिन से लगा हुआ था यार, ऐसे मुझे देना तो चाहिए ना, मैंने नहीं बोला भाई, तू लगा हुआ था मेरे पास, मैं देना चाहता हूं बहुत अरमान लगा है, अरमान है अरमान कल तक पटेंदे रही, मैंने टाइटल ना मिला तो मैं फिर वेल जाना ही, मुझे और मोहसिन भाई को जो है टाइटल मिले हैं ठीक है, और टाइटल लेस आई डोंट नीड एनी टाइटल्स टू डिफाइन, सो यू डोंट डिजर्व द टाइटल, आई नो व्हाट आई एम वर्थ, चलो ठीक है नॉट वर्थ, भाई को टाइटल नहीं, दिस ट्रिपल स्टूपिड टाइटल्स, चलो जस्टिफाई हुआ है ओके। अच्छा जी तो अब हम लोगों ने जो है पार्टी शार्टी हमारी हो चुकी थी, अब हम लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं, हम तीनों बैठे हैं इस वक्त पार्टी पे, तो व्लॉग को हमने यहाँ पे एंड करना था, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें टाइटल मिले हैं, मोहसिन भाई टाइटल एक बार दिखा दें, द व्लॉग इज गोना बी गुड, ये हमारे टाइटल हैं, ये देखें ये टाइटल हैं जी, भाई के पास टाइटल कोई नहीं है, तो पॉडकास्टर ऑफ द ईयर, पॉडकास्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड गोल्ड मोहसिन अमदानी, तुझे फिर नहीं मिला, बात करना देना, आप कभी भी ना जिंदगी में ऐसी टाइटल ऐसे अवार्ड्स को जो है ना अपने आप को डिफाइन ना करने, आई एम अ पर्सन जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अंगूर खट्टे लोग अंगूर खट्टे की बात लूमड़ी गई अंगूर का, आई ऑलरेडी टोल्ड देम दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द टाइटल एट ऑल, टाइटल नहीं मिला आपको ठीक है, टाइटल नहीं मिला आपको, चुप कर दें, ये कॉल करवा के पूछ रहे थे कि हमें टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया, कोई प्रूफ दे, मैं कॉल प्रूफ नहीं दे सकता लेकिन तूने किया कॉल, मैं कसम खा के झूठ पर हम कसूर होता रहा है, ये भी तो सच है, आपको फाइनल मैसेज यही दूंगा कि कभी भी ऐसी टाइटल को है ना अपने आप को डिफाइन ना करें, देखिए अंगूर खट्टे हैं आपने पढ़ा, अब आप भी बड़े हो चुके होंगे, आपने इन जैसे दोस्तों को एक फायदा मुझे हुआ है कि अब मैं मेंटली तौर पे इतना मजबूत हो चुका हूं, और मुझे अपनी वर्थ का पता है कि अब इनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइटल विजय छह ऐसे ले लें डीपीएस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो मर्जी आपने बोला सब तुम्हें टाइटल देगा भी नहीं किसी को देगा, अब क्या फर्क है, अब जब मर्जी मौसम भाई वो कहानी कैसे थी, लुमड़ी जाती है अंगूर खट्टी जाती है अंगूर खाने, वो दरख्त क्यों ना ऊपर लगे होते हैं, अच्छा बड़े जंप लगाती है,
जब इन दिन पाँच सात कोशिशों के बाद जब उसे अंगूर नहीं मिलते ना, वो कहती है मैंने तो खाने नहीं थे अंगूर वैसे खट्टे। हाँ चलो ठीक है, वो एक हमने आपको स्टोरी सुना दी वैसे ही। देखे मेरी तो, इस किस्म की तो चुप, हमने आपको बात करने दो ना, मुझे ठीक है बस कर, मेरी इस किस्म का पर्सोना ही नहीं है, मेरी इस किस्म का पर्सोना म्यूट कर देना यार डीपीएस में। यार ये गलत,